डॉक्टर की हड़ताल खत्म। बंगाल में हिंसा के विरोध में हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद सप्ताह भर से चलती आ रही हड़ताल समाप्त कर दी है। इससे पहले प्रदेश के चिकित्सकों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनु शर्मा को हर अस्पताल में एक नोडल पुलिस ऑफिसर के तैनाती के निर्देश दिए। इसके अलावा चिकित्सकों की मांग पर एक शिकायत निवारण सेल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। सीएम के साथ हुई इस बैठक में बंगाल के हर मेडिकल कॉलेज से दो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पहले डॉक्टर ने ममता से मुलाकात के लिए मना कर दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि बंद कमरे में वह कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद ममता ने हर मेडिकल कॉलेज में दो डॉक्टरों को मुलाकात के लिए बुलाया और कहा कि यह बातचीत मीडिया के सामने होगी। युवक के पेट से निकली 50 से ज्यादा चीजें, अंगूठी, नेल कटर, चीलम, सिक्कों का समावेश। जयपुर राजस्थान के उदयपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह महाराणा भोपाल सरकारी अस्पताल में एक शख्स का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो सामने आया उसने सभी को हैरान में डाल दिया। ऑपरेशन में 25 वर्ष के गजेंद्र के पेट से 4 चीलम, नेल कटर, चाबियां की रिंग, सिक्के, लोहे की तार व छोटे टुकड़े, सेफ्टी पिन, आरी पत्ते, माला, पायल के घुंघरू और अंगूठी समेत 50 से ज्यादा चीजें निकली हुई है। यह ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। उसके पेट में तेज दर्द होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गजेंद्र के एक्सरे, सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी में कई तरह की चीजें नजर आई। इसके पेट में यह सब चीजें बिखरी हुई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे उसके कोई आंतों को नुकसान नहीं हुआ। जो चीजें उसने खाई थी उसमें बड़ी चीजें आमाशय में अटक गई थी, जबकि सेफ्टी पिन, सिक्के और लोहे के टुकड़े जैसी बड़ी छोटी चीजें उसके बड़े आंत में थी। गजेंद्र के पिता भीमराज मेघवाल का कहना है कि उसे एक गांजे की लत थी। उसने यह सब चीजें कब खाई ना तो उसके पत्नी को यह पता और ना ही घर के किसी अन्य सदस्य को। वह घर पर भी किसी से कुछ नहीं बोलता था। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।